नमस्कार दोस्तों, आज मैं हरिद्वार महादेव की नगरी में आया हूँ और आने के बाद से जो दिल को सुकून मिला है वो आपसे क्या ब्याह करूँ। क्योंकि कहते हैं ना, महादेव हरि की नगरी में अगर आके शब्दों से आप किसी भी चीज़ को ब्याह करोगे तो कभी नहीं कर सकते हो। और आप देख सकते हो यहाँ की खूबसूरती, लोग कितने गर्मियों में कितने अच्छे तरीके से इंजॉय कर रहे हैं। और मैंने भी नहाया, मेरे सर पे दर्द, मैंने काफ़ी देर तक घंटों तक नहाया, लेकिन मेरे कान जो है ना एकदम पूरे के पूरे ठंडे पड़ गए हैं और मुझे भी इतनी छींक आ रही थी जैसे लग रहा कि मुझे आज ठंड लग गई है। और मज़ा तो जितना आया है, अभी आज मैंने रात में 10:30 बजे नहा लिया है, फिर नहाएंगे कल, खूब इंजॉय करेंगे। क्योंकि इसीलिए मैं आया हूँ हरिद्वार में, अगर आप भी आना चाहते हो तो इस जगह से बेहतर जगह और कोई भी नहीं हो सकती है। अगर भैया जी काफ़ी अच्छी जगह, यहाँ गर्मियों में लोग परेशान, वहाँ महादेव की नगरी में लोगों को सुकून। और कितनी अच्छी जगह है कि मैं भी बड़ा सौभाग्यशाली हूँ कि महादेव की नगरी में मुझे बार बार आने का मौका मिल रहा है और हर जगह पे महादेव के दर्शन करने को मिल रहे हैं। जैसे कि अभी ट्रिप महादेव के आशीर्वाद से कर रहा हूँ और ऐसे ऐसे जगहों को देखने को मिल रहा है, आपको भी मैं दिखाता रहूँगा ऐसी सारी जगहों को। और काफ़ी खूबसूरत जगह है, मैं भी आपको अगर कहूँगा, अगर आप छोटी छोटी जगहों पर जाना, अगर आप यात्रा करने के शौकीन हैं तो आप छोटी छोटी जगहों पर जाओ, जैसे कि ऋषिकेश हो गया, हरिद्वार हो गया। और ये सच में बहुत ही अच्छे जगह हैं, आप ये देख सकते हो, काफ़ी अच्छे जगह हैं।